यूपी पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना पुलिस को उलझाए ही रखती है। जी हां, ऐसा ही एक घटना यूपी के रामपुर से हमारे सामने आ रही है। ये मामला डॉक्टर से रंगदारी मांगने का है। जानकारी अनुसार भारतीय किसान यूनियन के नेता के बेटे पर डॉक्टर ने रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टर ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के नेता का बेटा हॉस्पिटल चलाने के नाम पर रंगदारी है। इस मामले पर अब हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर तौसीफ ने किसान नेता के बेटे के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसे लेकर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। जानकारी अनुसार रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस के शौकत अली मार्ग पर स्टार मेडिसिटी नाम से एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर तौसीफ ने कोतवाली सिविल लाइंस में किसान नेता एहसान के बेटे रेहान पाशा के खिलाफ रंगदारी मांगने, दुर्व्यवहार करने और तोड़फोड़ करने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। जब इस मामले पर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर तौफीक से बात की तो उन्होंने बताया कि बार बार मुझे धमकी देता है और पैसे मांगता है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के महासचिव एहसान ने बताया कि उन्होंने फर्जी हॉस्पिटल की शिकायत की थी और कई बार धरने प्रदर्शन भी किए थे, जिसको लेकर स्टार मेडिसिटी हॉस्पिटल के संचालक ने मेरे बेटे को बुलाया और पैसे देने की कोशिश की। जब उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया तब उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि स्टार मेडिसिटी के डॉक्टर ने रेहान पाशा नाम के युवक के खिलाफ रंगदारी मांगने वाली गलोच करने और तोड़फोड़ करने को लेकर एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल जो चल रहा है ये अवैध रूप से, इसका नाम क्या है? स्टार मेडिसिटी है, ये लोग शौकत अली रोड पे और जूतों के शोरूम के बराबर अंदर गली में जाके मतलब ये चल रहा है और जो अवैध रूप से चल रहा है, मतलब ये गरीब लोगों को ऑपरेशन के नाम पे लूटा जा रहा है और मतलब ये इसमें जो शिकायत करता है जिसने FIR कराई वो स्वयं डॉक्टर नहीं है। सर, एक डॉक्टर ने किसान नेता के बेटे के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कराया है, क्या मामला है? स्टार मेडिसिटी के डॉक्टर ने एक रेहान पासा नाम के व्यक्ति के खिलाफ रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ कर देने, गाली गलौज करने की तहरीर दी है, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दी, जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन्स में रेहान पासा के विवेचना की जा रही है। जो साक्ष्य होंगे तत्क्रम में विधिक कार्यवाही पूरा करके माननीय न्यायालय को अवगत करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने किसान नेता के बेटे के ऊपर रंगदारी मारने का मुकदमा दर्ज कराया, क्या मामला है? मामला यह है साहब कि वो मुझे बार बार आकर परेशान करता है, हर दूसरे तीसरे दिन आकर मुझसे पैसे मांगता है और अपने बाप की और चचा की धमकी देता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, जुड़े हुए हैं, आपका साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की धमकियाँ देके मेरी गाड़ी पर उसने हमला किया, मेरी गाड़ी भी टूट गई, मेरी जान भी जा सकती थी उसमें, और मेरे स्टाफ के साथ जो है आके गाली गलौज करता है वो हमेशा, और बिना इजाज़त लिए हुए वो मेरे कमरे के अंदर घुस जाता है और उसके मेरे पास सबूत भी हैं, उसके पैसे मांगने के भी सबूत हैं और वो हमेशा आके पैसे ही मांगता और धमकियाँ देता। किस चीज़ के पैसे मांगता है वो? कहता है अगर हॉस्पिटल चलाना है हमारे इलाके में तो आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, वरना आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब और उसने मैंने जो है पुलिस में FIR कराई है और उसके खिलाफ जो है वो पुलिस एक्शन ले रही है उसी को देखते हुए। और ये जो इनके बाप और चचा जो हैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, इन्होंने एक नकली अपनी जो है किसान यूनियन बना रखी है, उसी का दबाव बनाकर ये लोगों से पैसा उगाते हैं, मुझसे नहीं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल वालों से पैसा उगाते हैं। और ये जो हैं इनके पास कुछ महिलाएं भी हैं जो कि रेप के केस के धमकी देते हैं और उनको लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी जान का भी खतरा है? हाँ, उन्होंने कहा है कि आपको जो है कभी भी हम हमला कर सकते हैं, आपकी गाड़ी में आग लगा सकते हैं और आपको जान से मार सकते हैं, उस चीज़ का रिकॉर्डिंग मेरे पास है और इन्होंने मुझे गालियाँ भी दी हैं फ़ोन पर। तो उन्हें क्या नाम है इनका? इनका रेहान पाशा है, बलदेव एहसान अहमद है और ये यहीं सिविल लाइन रामपुर पर। किसान यूनियन में? किसान यूनियन में बताते हैं लेकिन है नहीं। अब वो एसपी ट्रैफिक है राहुल, उनसे पूछ लीजिए डिटेल में कहाँ पर आए। सर
दीप उत्सव दीपावली के पावन अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले और प्रदेशवासियों को हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये दीपावली हर वर्ग के लिए, छोटे गरीब और अमीर के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आर्थिक रूप से सभी सुदृढ़ हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंजाबी सभा नीलोखेड़ी की ओर से, श्री सनातन धर्म मंदिर सभा नीलनगर की ओर से, एल ललिता शास्त्री सनातन धर्म शिक्षा समिति की ओर से व उन तमाम संस्थाओं की ओर से जिनसे मैं वाबस्ता हूँ, उन सब की ओर से भी दीपावली की आपको और आपके परिवार को और प्रदेश की जनता को हृदयपूर्वक पुनः मुबारकबाद शुभकामनाएं। पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर की ओर से सभी प्रदेशवासी तथा नीलोखेड़ी की जनता को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों और नीलोखेड़ी की जनता को एक बार फिर से पंजाबी सभा नीलोखेड़ी के महासचिव तथा सनातन धर्म सभा के शिवनाथ कपूर की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।